हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मैसेज छवि अरोड़ा। एंड अभी बज रहा है 6:30 कुछ, और कुछ ऐसा है, अंधेरा ही है, अभी तक उजाला नहीं हुआ, सूरज नहीं आया। और मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बना रही हूँ, हमारी अनैट की क्लास है, मेरा पोहा अनैट की क्लास है। और हमें बस से जाना है, या फिर अगर टैक्सी से जाएंगे तो बहुत जल्दी, क्योंकि बाद में तो लेट होगा, बाद में तो महंगी हो जाती है। तो फटाफट से पोहा बनाते हो, फिर क्लास में चलते हैं। तो पोहा हो चुका है, बन के तैयार, अब चलते हैं, इसको पैक करते हैं फटाफट से और भागते हैं क्लास के लिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बस के लिए। बस स्टैंड पहुंचने में भी कितने मिनट और है? 10-15 मिनट और है, और गौरव से मिल लो। फाइनली फुल स्लीव्स पहन के आया है। और अंजलि और जतिन थोड़ा आगे जा रहे हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि मैं थोड़ी धीरे चलती हूँ। अभी इधर ऑटम सीजन चल रहा है, सारे पत्ते झड़ रहे हैं। पहुंच ही गए बस स्टेशन, और इन पेड़ों से लगता है सारे पत्ते झड़ चुके हैं, है ना, कितने खाली खाली लग रहे हैं। और वो खड़े जतिन और अंजलि। तो अभी हम उतर चुके हैं बस से, और हमने वो भी बस ली थी जो मॉस्को तक आती है, क्योंकि जो सीधा नेट डिपार्टमेंट तक जाती है वो हमारे सामने दो आई, पर वो दोनों इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, इतनी ज़्यादा मतलब उनके अंदर ऐसा था, बस के अंदर ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब कि चढ़ने की भी जगह नहीं थी। तो फिर हमें ये वैन लेनी पड़ी, अब यहाँ से हमें टैक्सी करनी पड़ेगी। तो हाँ, देख रहे हैं टैक्सी। टाइम हो चुका है 8:17 की, मतलब क्लास है 8:30 की, तो हम सही टाइम पर पहुँच गए ना। हाँ, और अभी हम लेट नहीं हुए, जल्दी से जाके अंदर कोट वगैरह पहनेंगे और पहुँच जाएंगे। ये रहा नेट डिपार्टमेंट। अभी हमारी ब्रेक हो गई है, बादाम खा रहे हो और ये दोनों पोहा खा रहे हैं, और वो अपना अलग ही कार्तूश का खा रहे हैं। आ चुके हैं घर पर, और अभी आए हुए दस नहीं आधा घंटा हो गया अभी तक मैंने रिकॉर्ड किया था। आधा घंटा हो गया और मैंने बस बादाम खाए अपने बच्चे हुए, और अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, अंजलि भी सो रही है। ये तो बहुत नींद में है ना, बहुत नींद में तो सोई थी नाइट की क्लास से पहले, एक घंटा अभी नहीं सोई होगी, है ना, आधा घंटा। गाइस, नाइट की क्लास से पहले यही हालत हो जाती है, तो अभी सोते हैं आराम से, और फिर उठे के फिर खाने का देखते हैं क्या करना है। हाँ गाइस, तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं बहुत ही लेट उठी हूँ। इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी। मैंने गौरव को बोला था कि आज मैं सवेर जाना था सामान लेने, क्योंकि ख़त्म हो गया बहुत सारा सामान, तो अगर लेने जाना था तो मैंने बोला था कि मेरे को भी फ़ोन करी, मैं भी चलूँगी तेरे और जतिन के साथ। लेकिन उसने फ़ोन करा तो वो मेरे को अब बता रहा है कि मैं फ़ोन उठा के साइड पे रख देती थी, कुछ बोलती नहीं थी। तो मैं इतनी नींद में थी, मेरे को याद भी नहीं है उसने कब कॉल करा, तो और मैं अब उठी हूँ, बहुत लेट हो गया, पर ठीक है, अच्छी नींद आई। अब हम बनाते हैं दाल। तो सब्जियाँ कट चुकी हैं और अब चलते हैं दाल बनाने। दाल बन चुकी है इसमें हम, और अभी जतिन और गौरव ऊपर रोटी बना रहे हैं फिर खाना खाए के, और मैंने उन्हें बोला है कि मुझे थोड़ी जल्दी दे दे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख। तो जब पूरी रोटी नहीं बनी होगी शायद तभी मैं खा लूँगी, आज मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं जब से मैं सो के उठी हूँ। तब तक फिलहाल हम कुछ पढ़ लेते हैं। गाइस, तो मैंने अभी तक ठीक से पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा था, और खाने की पुकार आ चुकी है, खाना बन चुका है, तो रोटी बन चुकी है मतलब, तो मैं फटाफट से लेकर आती हूँ। ये है मेरा भाई,
ये रोटी बना रही है। अच्छा तू बनाएगा? सारी बना ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार गौरव, नॉट बैड, बस स्लो है। अभी ये मेज भी तो है। आई अग्री विद यू, मेज की गलती है। शांतनु अपने स्किल्स सिखाओ। क्या बज रहा है? वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। आप ठीक? हाँ गोल तो है यार शांतनु, बात तो है। इसके अंदर घी लगा हुआ है जिससे रोटी ज्यादा देर तक टिकती रहेगी। ओहो गोल रोटी, शांतनु रोटी एक्सपर्ट, जतिन के बाद शांतनु ही है। की नहीं बनाने रोटी की साइज देख के ये मत समझना कि मैं कभी ढाबे पे काम करता था। यहाँ किसी काम में भाई हमने बोला। मैं रोटी ले आई हूँ, फटाफट से दाल डालते हैं और रोटी खाते हैं। गरम गरम दाल गाइस, तो मैंने खाना डाल लिया और अब मैं खाती हूँ खाना, और मैंने साथ में अचार भी ले लिया। मेरा खाना प्रेक्षा कर रही है अपने घर पे बात। अब क्या जबरदस्ती का काम शुरू करा रही है? नहीं अभी चल रहा है आज के दिन का। अच्छा। गाइस तो खाना वगैरह सब हो गया है और अब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। पढ़ाई वगैरह सब हो चुकी है और मेरे हाथ पे कलर पेंसिल लग गई है जो नहीं हट गया पता नहीं कैसे। तो और प्रेक्षा गानों पे वाइब कर रही थी पर मैंने गाने बंद कराया है। और कितनी सुंदर लग रही है रात को भी, जो सुंदर लगे वो प्रेक्षा। नहीं टेढ़े मुंह बन गए फिर से। तेरी मम्मी बताएगी अब तेरे को? कोई नहीं उनको पता है, उन्हीं से सीखा है। अच्छा लाइट ठीक हो चुकी है, मैं अभी बंद करके दिखा। ठीक मतलब हमने इसके सेल चेंज कर दिया तो अभी ब्राइट है। ये देखो कितनी सुंदर देख रही है, है। रुक जा अभी दिखाती हूँ। और अंजलि लाइट नहीं दिखेगी? नहीं लाइट अब दिख रही है। ये दिल मैंने बनाया। हाँ ये दिल इज मेड बाय प्रेक्षा, मेरा दिल है ये टूटा हुआ। इसके बीच में एक लाइन भी है बिकॉज इट्स ब्रोकन। और क्या है? और इसमें बहुत सारा, इसमें ये जो ये था ना, ये जो था ये डॉगी और लड़की, ये प्रेक्षा और उसका मैक्स है। दिखाओ उनको। और फ्रेंड्स वाला तो ऐसे ही क्योंकि हमें पसंद है, और फिर वो दिल्ली वाला उधर है क्योंकि हम तीनों दिल्ली से हैं, फिर वो प्रेक्षा का बर्थडे वाला है, ये मुझे छवि ने दिया है, फिर वो टैंगल नहीं इसको हॉरिजॉन्टल कर, हॉरिजॉन्टल ओ राइट टैंगल्ड वो अंजलि ने लिया है, और जस्ट वुमन हु लव बुक्स भी अंजलि का ही है उसके जस्ट। और उसने एक भी बुक्स नहीं पढ़ी आज तक मतलब हमारे सामने, बाकी वो ऑनलाइन पढ़ती है। ऑनलाइन किताबें कौन पढ़ रहा है? और उसके नीचे वो जतिन ने दिया था तेरे को ये? हाँ ये मुझे जतिन ने दिया था, मैक्स और मैं, ये मैक्स मेरा डॉगी। हाँ और ये येलो लड़की छवि है बिकॉज छवि लव येलो एंड सनफ्लावर आल्सो। फिर वो राधा कृष्ण है क्योंकि हमने राधा कृष्ण वाला सीरियल देखा था और हमें बहुत पसंद है, और वी अडोर देम। और जस्ट बिकॉज़ वो भगवान है ये की फोटो होनी चाहिए, ये भी है। और उसके ऊपर वो पिंगू, क्योंकि मेरे को पिंगू पसंद है और मेरे को चाय भी पसंद है, पर चाय का थाली तो कॉफी वाला ले गया। कितना भूल गई एक सेकंड में, नेवर गिव अप, क्योंकि जॉन सीना उसके बिना नहीं चल सकता। क्योंकि किसी का हाथ नहीं पहुंचता वहाँ पे। प्रेक्षा प्रीटी कर, लाइट बंद हो चुकी है। ये प्रेक्षण लगाया इतनी ऊपर है क्योंकि इसका ग्राउंड है, ताकि सिर्फ यही जला पाए लाइट, हम लोग जला भी ना पाए। प्रेक्षा
सारिस्ता उनको नहीं पता होगा. सारिस्ता ऑफ द रूम जो रूम में नहीं रहती. सारिस्ता उनको नहीं पता होगा क्या होता है. अच्छा सारिस्ता मतलब इंचार्ज. आई एम इंचार्ज ऑफ द रूम. जो रूम में नहीं रहती. चलो गाइस अब पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, अब सो जाते हैं. बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया आज इसने. बहुत ज्यादा. ओ भाई क्या हो गया मुझे, पीटा है क्या किसी ने? बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया. ठीक है तो अब सो जाते हैं, एक बजने वाला है. ओ ठीक है आपसे फिर देखते हैं क्या करेंगे. बाय 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 गुड नाइट. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.